हेलो एवरीवन, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। 170 मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एम्स एंड जिपमर एग्जाम्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, इकोलॉजी में चार लेसन्स हैं और उन सभी के लगभग 170 से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए ले आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मैच कराना है आपको। ए है म्यूचुअलिज्म, यानी इसमें दोनों को लाभ होता है, तो क्यू हो जाएगा बेनिफिशियल टू बॉथ ए एंड बी। कंपटीशन, इसमें दोनों को हानि होती है। पैरासिटिज्म, एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। प्रीडेशन, इसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे की लाइफ समाप्त हो जाती है। कॉमेंसलिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पहुँचता, तो ऑप्शन सी सही होगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, इकोलॉजी किसके रिश्तों का अध्ययन है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ सी इकोलॉजी नहीं होगा क्योंकि कम्युनिटी का एनवायरनमेंट से रिलेशन होता है। ऑट इकोलॉजी स्पीसीज का होता है। हर्पेटोलॉजी, ये तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है, तो बचा है बायोनॉमिक्स। द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी एट द जंक्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट्स इज नोन एज। दो अलग अलग वास स्थानों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एज इफेक्ट। सोशल पोजीशन हेल्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स अदर एसोसिएट्स इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए होगा नीस, और नीस का मतलब होता है इकोलॉजिकल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द इकोलॉजिकल नीस ऑफ पॉपुलेशन इज अ, किसी एक पॉपुलेशन के लिए इकोलॉजिकल नीस क्या होगा। ऑप्शन ए सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्सेस इट्स यूजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल नीस। इसका ऑप्शन सी सही होगा, एफिड्स एंड लीफ। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ, कम्युनिटी क्या है, तो पॉपुलेशन भी एक समूह है और कम्युनिटी भी एक समूह है, लेकिन कम्युनिटी में एक निश्चित एरिया में अलग अलग स्पीसीज के जीव रहते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। एनिमल्स लाइक काकरोचेस, लिजर्ड्स एंड माइस शेयर द बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे जंतु जो मनुष्य के साथ उनके घरों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी इनक्विलाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड एज इनक्विलाइन। ऑप्शन सी कॉकरोच, क्योंकि यही मनुष्य के साथ घरों में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इसमें से एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का लक्षण है, क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन, लेयरिंग करना। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज नोन एज। दो कम्युनिटी के बीच में जो अंतर होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इकोटोन। टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन रीजन इज नोन एज द रीजन। एक निश्चित एरिया में रहने वाले सभी जातियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बायोटा। अ बायोम इज, बायोम क्या है। ऑप्शन ए सम ऑफ इकोसिस्टम्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया। एक निश्चित एरिया में अगर सभी स्पीसीज साथ में रहें तो बायोटा होगा, लेकिन अगर कई इकोसिस्टम्स रहें तो बायोम होगा। सवाना इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सवाना कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रासलैंड्स इन एशिया आर नोन एज, एशिया के ग्रासलैंड्स क्या कहलाते हैं। पंपास। डेसीडुअस फॉरेस्ट्स है, डेसीडुअस मींस ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पर्णपाती होती हैं, मतलब झड़ जाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज। द फैक्टर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, पृथ्वी की ऊपरी सतह से कौन सी संरचना संबंधित है। ऑप्शन डी टोपोग्राफिक। एटमॉस्फियर कंसिस्ट ऑफ, एटमॉस्फियर के अंदर क्या क्या होता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर।
द करेक्ट मैच ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज। यहाँ ऑप्शन बी और डी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। स्पेंडिंग द ड्राई हॉट पीरियड इन एन इनएक्टिव स्टेट बाई एन एनिमल इज। बहुत गर्मी के सीजन में जब एक जंतु निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एनिमल्स अंडर इनएक्टिव स्टेज ड्यूरिंग विंटर सीजन इज नोन एज। जब ठंडी में निष्क्रिय अवस्था में जंतु जाते हैं तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जू प्लैंकटन स्पीसीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इंटर अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट कॉल्ड। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जू प्लैंकटन्स झीलों और तालाबों में निष्क्रिय अवस्था में छुप जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, डायपॉज। द एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड नॉट फुल्ली डेवलप्ड ईयर आईज हेयर्स एंड अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स दिस इज नोन एज। ठंडी वाले प्रदेशों में जंतुओं के कान आँख और बाल ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। इस रूल को किसने दिया था? एलन ने। ऑप्शन ए, एलेंस लॉ। विच लॉ ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मिलेनिन पिगमेंट इन एबंडेंस। गर्म प्रदेश वाले जंतुओं में मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, ये रूल किसने दिया? ऑप्शन सी, ग्लॉजर्स लॉ। टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश और हैबिटेट दिस लॉ इज। दो अलग अलग जातियाँ एक साथ काफ़ी देर तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकती, ये किसका लॉ है? ऑप्शन बी, गॉज लॉ। द फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। जीवों को जीवित रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शन ए, वाटर। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। विश्व का 70% से अधिक फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए, पोलर आइस में, ध्रुवीय बर्फों में। व्हाट इज प्लैंकटन? प्लैंकटन क्या है? ऑप्शन डी, फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जल की सतह पर तैरने वाले छोटे जंतु और पौधे जो कि एक कोश की होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओपन सी आर कॉल्ड। ऐसे जंतु जो खुले समुद्र में तैरते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, प्लैंकटन्स। फाइटोप्लैंकटन्स आर। फाइटोप्लैंकटन्स क्या हैं? तो चूंकि फाइटो हैं इसलिए ऑटोट्रॉफिक। एक्वेटिक फोटो डिफ्रैक्शन इज। जल में लाइट पड़ने पर जो डिफ्रैक्शन होता है उसका क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए, यूफोटिक यानी सबसे ज़्यादा लाइट जहाँ पड़ती है, डिस्फोटिक हल्का कम, एंड एफोटिक जहाँ लाइट पड़ती ही नहीं है। व्हेन एन एनिमल टर्न साइडवेज टू द सन टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन ऑन इट्स फ्लैंक्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक जंतु सूर्य की किरणें अधिक पाने के लिए किसी दिशा में घूम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ओरिएंटेशन। द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। किसी जीव के द्वारा प्रकाश और अंधकार के लिए जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, फोटोपेरियोडिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई एयर। हवा के द्वारा कौन सी मिट्टी उड़ा करके ले जाई जाती है? ऑप्शन ए, इओलियन। सॉइल दैट इज बेस्ट सुइटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज। पौधे के उगने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है? ऑप्शन डी, लोम। द लीस्ट पोरस सॉइल एमंग द फॉलोइंग इज अ। इनमें से सबसे कम पोर किस मिट्टी में पाया जाता है, यानी पानी डाला जाए तो कौन सी मिट्टी पानी को रोक सकती है? ऑप्शन सी, क्लेई सॉइल। लाइम इज एडेड टू द सॉइल विच इज टू। लाइम जो कि मिट्टी में डाला जाता है वो कैसा होता है? ऑप्शन बी, एसिडिक। ह्यूमस इज। ह्यूमस क्या है? आप जानते हैं जब जंतुओं और पौधों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है और वो पूर्ण रूप से डीकम्पोज ना हो पाए तो उससे ह्यूमस बनता है। ऑप्शन सी सही होगा, पार्शियली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। प्लांट्स रिक्वायरिंग लो लाइट इंटेंसिटी फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कॉल्ड। ऐसे पौधे जिन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए कम लाइट की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं साइओफाइट्स। एक्लीमेटाइजेशन इज। एक्लीमेटाइजेशन क्या है?
ऑप्शन डी एडाप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, पुराने से नए वातावरण में जाना ही एक्लिमेटाइजेशन है। लाइट लविंग प्लांट्स आर नोन एज, ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश पसंद है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स वुड बी आइडियली सुटेड टू साइओफाइट्स, ऐसा वास स्थान जो साइओफाइट पौधों के लिए अच्छा होता है? ऑप्शन डी नम और छायादार स्थान। द प्लांट्स विच लिव ऑन सेलाइन सॉइल आर नोन एज, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हेलोफाइट्स। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, असर्शन है एनिमल्स एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए जंतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, ये सही है। रीजन प्रेइंग मेंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्जेज विद प्लांट फोलियज, प्रेइंग मेंटिस एक इंसेक्ट है जो हरे रंग का होता है और पौधों के समूह के साथ छुप जाता है, ये भी सही है लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, एक निश्चित समय में एक ही स्पीसीज के जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पॉपुलेशन। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन सी पॉपुलेशन। द अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, एक वास स्थान में किसी पॉपुलेशन की स्पीसीज की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नीस डेंसिटी। Populations of individuals belonging to same genetic stock differing markedly in vegetative characteristics are, ऐसी populations जो एक ही genetic stock से आए हों लेकिन उनके लक्षण अलग अलग हों उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इकेड्स। Genetically adapted population to a particular habitat is called, किसी निश्चित वास स्थान में रहने के लिए यदि किसी पॉपुलेशन में कोई अनुकूलन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन डी इकोटाइप। मोस्ट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस आर, कौन सी पॉपुलेशंस एक दूसरे से ज़्यादा संबंधित होती हैं? ऑप्शन सी को इवॉल्व्ड, क्योंकि वो साथ साथ पैदा होती हैं। अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न एजोला इज, एक स्वतंत्र जीवी साइनोबैक्टीरिया जो एजोला के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है उसका नाम है? ऑप्शन डी एनाबिना। लाइकेन्स सो, लाइकेन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, क्योंकि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों का फायदा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए राइजोबियम पैरासाइट नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। माइकोराइजी देख लीजिए, मिनरल अपटेक फ्रॉम सॉयल, ये मिट्टी से खनिज को खींचता है पौधों तक पहुंचाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। माइकोराइजा इज, माइकोराइजा क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड सर्टेन फंजाई। लाइकेन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस वेयर फंगस हैज, तो ऑप्शन बी सही होगा, फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है एल्गा से। अ टर्म हेलोटिज्म इज यूज फॉर द सिम्बियोसिस ऑफ, सिम्बियोसिस की क्रिया में हेलोटिज्म किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन सी एल्गी और फंजाई के लिए। इन बायोटिक कम्युनिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, बायोटिक कम्युनिटी में इसमें से कौन सा बचने का उपाय है? ऑप्शन ए मिमिक्री, दूसरे की नकल करना। सम ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल ऑर्गेनिज्म एंड दस एस्केप फ्रॉम एनिमीज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं की नकल करते हैं और अपने दुश्मनों से बच जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मिमिक्री। प्रेइंग मेंटिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, प्रेइंग मेंटिस एक अच्छा उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए कैमोफ्लाज का। एनिमल्स हैव द इननेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेशन, एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। जंतुओं में शिकार से बचने के लिए पहले से ही कुछ एबिलिटी मौजूद होती है लेकिन इसमें से एक ऐसी एबिलिटी है जो सही नहीं है। पफर फिश अपने आप को फुला लेती है, ये बात तो सही है लेकिन इस तरीके से नहीं, ऑप्शन डी गलत है। हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन रिलेशनशिप इज कॉल्ड, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? ऑप्शन सी कॉमेंसलिज्म।
Bacteria living in human large intestine feeding on undigested food without harming the host. So, bacteria जो कि मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि बैक्टीरिया का खुद फायदा होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉमेंसलिज्म, एसोसिएशन बिटवीन बर्नेकल एंड लिमुलस इज, क्योंकि ये शरीर के बाहर रहता है, इसलिए ऑप्शन सी एक्टोकॉमेंसलिज्म। द परमानेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर अकर्स ड्यू टू, किसी पॉपुलेशन की संख्या में परमानेंट डिक्रीज यानी हमेशा के लिए कमी हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन डी मोर्टेलिटी, डेथ रेट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का मेन फैक्टर क्या था? ऑप्शन ए नेटेलिटी यानी बर्थ रेट। द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड, ऑप्शन सी बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल नेटेलिटी मीन्स इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर आइडियल ऑप्टिमम कंडीशन। इफ इन अ पॉपुलेशन नेटेलिटी इज बैलेंस्ड बाई मोर्टेलिटी देन देयर विल बी, यदि एक पॉपुलेशन में नेटेलिटी और मोर्टेलिटी दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? ऑप्शन बी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जीरो ग्रोथ मीन्स वही क्वेश्चन है फिर से, नेटेलिटी बैलेंसेस मोर्टेलिटी, ऑप्शन बी। विच फैक्टर कंट्रोल्स द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है? डेमोग्राफिक फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल्स द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है? क्लाइमेट। अ हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, किसी भी स्पीसीज का एनिमल हो अगर उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी तो उसके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पार्शली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे कम जनसंख्या भारत में किस राज्य की है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। विच इंडियन स्टेट हैज लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाईएस्ट लिटरेसी, किस भारतीय राज्य में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम और साक्षरता सबसे ज्यादा है? ऑप्शन सी केरला। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाई, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ऑप्शन सी टेंसले ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा सबसे स्थिर इकोसिस्टम है? ऑप्शन सी ओशन, क्योंकि ये कभी नहीं हिल सकता। द ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन बी इकोसिस्टम। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए केव, क्योंकि वहाँ इकोसिस्टम के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। अ मैन मेड इकोसिस्टम इज लेस इन डाइवर्सिटी, उसमें ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होती। पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यदि छोटा मोटा तालाब है तो उसे मनुष्य बनाता है, लेकिन मेनली तालाब एक नेचुरल इकोसिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम की होगी? ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। मैक्सिमम नेट प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऑप्शन ए रेन फॉरेस्ट। एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर ग्रॉस शब्द हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर बदल जाएगा, आंसर वही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रॉट अबाउट बाई, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। बैक्टीरिया एंड फंजाई इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई क्या हैं? ऑप्शन बी डीकम्पोजर्स हैं। इफ वी कम्प्लीटली रिमूव द डीकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम द इकोसिस्टम फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज, यदि एक इकोसिस्टम से हम डीकम्पोजर्स को हटा दें तो क्या होगा? डीकम्पोजर्स किसी भी चीज़ को सड़ा करके पृथ्वी में मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, मिनरल्स मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इसमें से कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम के बाहर से आता है? एनर्जी। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट। ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम को चलाने का फोर्स क्या है? सोलर एनर्जी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज,
इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी केवल एक दिशा में चलती है। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाई, 10% लॉ जो है फूड चेन में वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन डी, लिंडमैन के द्वारा। परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स इन एन इकोसिस्टम इज, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? ऑप्शन सी, 10%। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम वन लेवल लोअर टू इट, वही सेम आंसर होगा 10%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस इन द फूड चेन, फूड चेन में कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है? सबसे पहले ग्रास होगा, घास को खाते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट को बर्ड्स और बर्ड को स्नेक। ऑप्शन सी, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, डेट्रिटस फूड चेन मीन्स सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करने वाले, और इसकी शुरुआत होती है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया से। आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन, इनमें से सही फूड चेन को समझाइए। ऑप्शन बी, डेट्रिटल फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन विच स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स इट इज कंसर्न्ड विथ, इसमें दो दो ऑप्शन सही है। एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ओनली, तो ऑप्शन डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ड्यूरिंग फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन, फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में स्टोर होती है? प्रोड्यूसर्स में। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम अमॉन्ग द, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम तभी बराबर होगा जब तीनों मौजूद होंगे। ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी, इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। पिकॉक ईट्स अ स्नेक एंड स्नेक ईट्स फ्रॉग, फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट वाइल इंसेक्ट ईट्स ग्रीन प्लांट्स, देन पोजिशन ऑफ पिकॉक इज, क्योंकि पिकॉक सबसे ऊपर है इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन डी, टॉप एट द अपेक्स ऑफ फूड पिरामिड। मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड योगर्ट फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग, एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स जो दही खा रहे हैं, तो फूड चेन में उनका कौन सा लेवल होगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा, क्योंकि एक लेवल दही का है, दूसरा बैक्टीरिया का और तीसरा मिस्टर एक्स का। द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इकोसिस्टम टू सर्वाइव, एक इकोसिस्टम को जीवित रहने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट्स आवश्यक हैं? ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स। एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन अ फूड चेन इज कंपेंसेटेड बाई, यदि किसी फूड चेन में कोई स्पीसीज समाप्त हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए, फूड वेब के द्वारा। इन फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर, सड़े गले जंतुओं को खाकर नष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें सफाई कर्मी, ऑप्शन बी, स्कैवेंजर्स कहा जा सकता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज, ऑप्शन ए, इन्वर्टेड, उल्टा रहता है। इकोलॉजिकल पिरामिड वेयर फर्स्ट डिवाइज्ड बाई, इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाई, पिरामिड के सबसे ऊपर हमेशा कौन रहता है? ऑप्शन बी, कार्निवोर्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, पिरामिड ऑफ एनर्जी पॉन्ड इकोसिस्टम की कैसी होती है? अपराइट, ऊपर या सीधी। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, एक ऐसे पिरामिड का नाम बताइए जो हमेशा सीधी होती है, कभी भी उलट नहीं सकती। ऑप्शन ए, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स द पायनियर स्पीसीज आर यूजुअली, चट्टानों पर उगने वाली सबसे प्रमुख प्रजातियां होती हैं? ऑप्शन सी, लाइकेन्स। लाइकेन इज द पायनियर वेजिटेशन ऑफ विच सक्सेशन, क्योंकि ये पानी की कमी में चट्टानों पर उगती हैं, इसलिए ऑप्शन बी, जीरोसियर। विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF का लोगो या सिंबल किस जंतु को बनाया गया है? ऑप्शन बी, जायंट पांडा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू लो रिप्रोडक्शन रेट्स, इनमें से कौन सा जंतु नष्ट होने की कगार पर है? ऑप्शन डी, जायंट पांडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ
इंडिया। इसमें से कौन सी भारत की एक खतरे में पड़ी प्रजाति है? ऑप्शन डी इंडियन वाइल्ड एस। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एन एनिमल एंड इट्स हैबिटेट रीजन। जंतु और उसके रहने वाले स्थान का करेक्ट पेयर है ऑप्शन बी फ्लेमिंगो रन ऑफ कच्छ। टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। इसमें से कौन से नेशनल पार्क में टाइगर नहीं रहता? ऑप्शन ए गिर में, क्योंकि वहाँ पर लायन रहता है। इंडियन राइनोसेरास इज प्रोटेक्टेड इन। इंडियन राइनोसेरास जिसके पास केवल एक सींग होती है उसे कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन सी उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज। अकेला तैरने वाला नेशनल पार्क पूरे विश्व में कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन बी केबुल लैम्स ऑफ नेशनल पार्क। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? जंगली जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनके वास स्थानों का विनाश। मोस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर द विक्टिम्स ऑफ। जो खतरे में पड़ी प्रजातियां हैं उनका क्या कारण है? ऑप्शन सी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। द फेमस चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। चिपको मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट की शुरुआत किसको बचाने के लिए की गई? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू। वाइल्ड लाइफ किससे संबंधित है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। विच वन इज अ क्रिटिकली इनडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। इसमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी है? ऑप्शन बी सस साल्वेनियस यानी पिग्मी हॉग। विच इनडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल द सेटूस। इसमें से कौन सा खतरे में पड़ा जंतु है जिसके शरीर से सबसे पतला सबसे हल्का और सबसे गर्म वूल यानी ऊन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी चीरू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट्स इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। इसमें से पौधों और जंतुओं की कौन सी जोड़ी है जो खतरे में पड़ी है? ऑप्शन डी बेंटिंकिया एंड रेड पांडा। बेंटिंकिया एक प्रकार का पाम है जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। रेड लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाई। पौधों के स्पीसीज की रेड लिस्ट इंडिया में कौन बनाता है? ऑप्शन सी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री नोन फॉर देयर रिच बायोडाइवर्सिटी। इसमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट आर। इसमें से सबसे खतरनाक प्रदूषक है ऑप्शन ए नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, ये कभी नष्ट नहीं होते इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा पॉल्यूशन नहीं करता? ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फ्लाई एस इज एन। फ्लाई एस क्या है? लाइट एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर, हल्का हवा में पाया जाने वाला कण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर अमाउंट्स टू बी अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.03%। दिस एक्ट्स एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें से कौन सा हवा के प्रदूषण का इंडिकेटर है? ऑप्शन सी लाइकेन। SO2 पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई। SO2 पोल्यूशन को किससे कम किया जा सकता है? ऑप्शन सी डीसल्फ्यूराइजेशन से। ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी अफेक्टेड बाई। ताजमहल किसके द्वारा खराब हो रहा है? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज सेड दैट ताजमहल मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू। ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कारक है ऑप्शन ए एयर पोल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा। सम इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑन प्लांट इंक्लूड। पौधों पर सल्फर डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन, उसके क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल अफेक्टेड बाई द पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड इज। एक लिविंग सेल के ऊपर
सल्फर डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, जितने भी सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी को नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन्स आर कास्ड बाई, एसिड रेन किसके द्वारा होते हैं? ऑप्शन डी SO2 और NO2। रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ एसिड रेन इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाई। इंडस्ट्रियल सिटीज में एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी एक्सेसिव रिलीज ऑफ NO2 एंड SO2 इन एटमॉस्फेयर बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? ऑप्शन सी ओजोन, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट एंड NOx। मैक्सिमम इकोलाई विल बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा इकोलाई कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन बी सीवेज पॉल्यूशन में। वाटर पॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। तालाब के सरफेस पर पानी के प्रदूषण को कौन कम कर सकता है? बैक्टीरिया एंड एलगी। विच इज डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जिसे नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन सी डोमेस्टिक वेस्ट। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर कौन है? ऑप्शन ए एसकेरिचिया कोलाई। अ लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन। एक झील में घरेलू कचरा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इससे क्या इफेक्ट होगा? इससे वहाँ उपस्थित मछलियाँ मर जाएंगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन। प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले किस पर दिखाई देगा? ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। मिनामाटा डिजीज फर्स्ट ऑकर्ड इन। मिनामाटा डिजीज सबसे पहले कहाँ हुआ? जापान में। मिनामाटा डिजीज इज कास्ड बाई, ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी HG यानी पारे के द्वारा। अ लेक विथ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, एक झील जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन सी यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक लेक्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वाटर ब्लूम इज कॉमनली कास्ड बाई, वाटर ब्लूम किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एलगी के द्वारा। BOD स्टैंड्स फॉर, BOD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ O2 कंजम्पशन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज डन टू फाइंड आउट। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? अकुमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स, जो हायर ट्रॉफिक लेवल के कॉर्निवोर्स हैं उनके अंदर पॉल्यूटेंट्स का जमा होना। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ DDT इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ फूड चेन इन हायर ट्रॉफिक लेवल्स इज नोन एज बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ उपयुक्त है? ऑप्शन डी नॉइज पॉल्यूशन। मैक्सिमम नॉइज परमिसेबल ड्यूरिंग डे टाइम इन रेजिडेंशियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरिया में मैक्सिमम नॉइस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 55 डेसिबल। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए CO2 ओनली। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 लेयर इन द एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूटेंट एज वेल एज प्रोटेक्टेंट, इसमें से कौन सा है जो प्रदूषक भी है और सुरक्षाकर्ता भी? ऑप्शन बी ओजोन। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ स्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे संबंधित है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से, यानी ओजोन की परत को नष्ट करने से। CFC इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज दे, फ्रीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिप्लीट ओजोन, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। ऑप्शन बी। भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल ट्रेजेडी वाज मेथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। तो ये थे इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। और अब आपको फेमस बनाने वाला सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो इंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है लेकिन हार्मोन निकालता है। इसका कई लोगों ने सही आंसर देने का प्रयास किया लेकिन सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है गुंजन भाटिया जी ने, कांग्रेचुलेशंस आपको। और अब आज का क्वेश्चन। यदि हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को पानी में डुबोया जाए तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है
जो तैरता रह जाता है। अगर हमारे लिए आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।